हेलो एवरीवन, आई एम आर्य एंड आज मैं अपने चैनल में फर्स्ट में न्यू वीडियो लाने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले में। यह है मोतीलाल ओसवाल का ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में। ओके, तो ये दिख रहा है आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ मिला क्लाइंट कोड डलेगा एंड देन नीचे पासवर्ड। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ फैसले कैसा रहता है एमओ इन्वेस्टर में, मतलब उस पर में। जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन हो रहा है, एक्चुअली नए स्लो चल रहा है, ओपन हो चुका है। एक्चुअली एड आता है एक एमओ इन्वेस्टर जो ऐप से मोतीलाल ओसवाल की ट्रेडिंग एप्लीकेशन में, ये उसका एड आता है। जैसे कि नए स्लो होने के कारण बहुत स्लोली स्लोली वर्क कर रहा है, इसे तो मैं क्लोज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये खुला है मार्केट टूडे, वॉचिंग लिस्ट है, पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड हेल्प मी इन्वेस्ट रिपोर्ट बैन, ऐसा फर्स्ट स्लिप खुलता है। देखिए कि यहाँ आपको दिखता है निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स, निफ्टी 200 और भी बहुत सी कुछ चीज़ दिखती है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी FMCG, निफ्टी फार्मा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट मैं इसे सेव करके रखा हूँ। एंड देन इसमें आपको फेस में ओपनिंग में ग्लोबल इंडिकेटर दिखाई देते हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट जो है, नैस्टेक जो है, DJI है, अपना एक्चुअली एशियन मार्केट में डिपेंड रहता है। ओके, तो मैं आज आपको पहले दिखाता हूँ निफ्टी 50 ओपन करके, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर इसी में काम करते हैं, हमें इसी का देखना पड़ता है, तो मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए बहुत स्लोली नेट चल रहा है, देन ओपन बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो आज आप फैसलिप देख लीजिए, देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ बताता हूँ। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये दे रहा है अपन को, इसमें सजेशन भी होता है ये की स्टेटिक गेनर जो ये है अपना, जो टुडे मतलब एवरीडे की जो बेस्ट स्टॉक रहते हैं वो इसमें दिखा देता है। लोजर्स जो है, लोजर्स में क्लिक करके लोजर स्टॉक जो रहे आज आज के वो दिखा देता है। एक्टिव बाय वैल्यू जो है एक्चुअल करेंट मार्केट में, देन अभी तो मार्केट बंद है, वन मार्केट में बता रहा हूँ मैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको चाहूँगा कि आपको ऑन मार्केट में दिखाऊँ। इसमें वॉल्यूम बेस काम जिसमें ज़्यादा होता है वो आज दिखाया है, जो TCS में, INF बाय रिलायंस, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल में ज़्यादा वॉल्यूम बेस काम हुआ है। ओके सॉरी, वो वैल्यू था, देन ये वॉल्यूम है। एक्टिव बेस वॉल्यूम जो ज़्यादा रहा है वो येस बैंक में रहा है, PNB में रहा है, NMDC में रहा है, देन और भी बहुत सी चीज़ रहती है, तो मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ बताता हूँ। देन जिसे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, जिसे आना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसमें से, और मैं आपको बाकी की चीज़ भी बताऊँगा। अभी तक जो कि मार्जिन मिलता था गाइस, आज की ये न्यू खबर है, अभी तक मार्जिन मिलता था, बट अभी मार्जिन आज से बंद हो गया, देन गवर्नमेंट उसे चालू करेगी, सेबी के रूल्स में था ये, सेबी उसे चालू करेगी, बट पूरी चीज़ जो भी है मैं आपको उसकी एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आज अपनी निफ्टी क्लोज हुई है 16,705.20 में, 68% का मूव रहा है, इसमें सेंसेक्स रहा है 56.124.27 पे, 175 का मूव रहा है। ऑब्वियसली हमारा निफ्टी से ज़्यादा चलता है सेंसेक्स, ओके ज़्यादा पॉइंट चलता है। जैसे कि गोल्ड की आप प्राइस देख रहे हैं आज, गोल्ड का मार्केट चालू है 5 बजे तक बंद होगा, तो अभी ये माइनस में चल रहा है गोल्ड। ओके, तो मैं आपको इसमें बहुत सी चीज़ बताऊंगा, पुट ऑप्शन, करेंसी, केस मार्केट। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ये चैनल में मैं न्यू वीडियो सब डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एन्जॉइंग। Thank you very much.